1990 में घाटी में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बहे देश के आंसू अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पूरे देश के हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई चाहता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर घाटी में जो हुआ उसका इंसाफ होना चाहिए। देश की इन भावनाओं का असर भी अब दिखाई देने लगा है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि दर्जनों कश्मीरी पंडितों की हत्या करने वाले फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे के जुर्म की फाइल फिर से खोली गई है। आतंकी बिट्टा कराटे ने सबसे पहले सतीश टिक्कू को जान से मारा था। सतीश टिक्कू उसका ही दोस्त था, लेकिन पाकिस्तान परस्त लोगों के संपर्क में आने के बाद उसने यहां तक कह दिया था कि कश्मीर की आजादी के लिए वो अपनी माँ और भाई का गला भी काट देता है। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो, मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते। मार देते। अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते। हाँ जी, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो। जी, मैं मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो। मैं मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो। मैं मार देता। उसने एक दो नहीं बल्कि 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के रिलीज होने के बाद अब सतीश टिक्कू के परिवार ने कोर्ट में अर्जी दायर की है। अदालत इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार भी हो गई है। बिट्टा कराटे यानी फारूक अहमद दार वह शख्स है जिसे कश्मीरी पंडितों का कसाई कहा जाता था। बाद में बिट्टा ने राजनीति की राह पकड़ी और शांति की बातें करने लगा। कश्मीर घाटी में हथियार उठाने वालों की शुरुआती लिस्ट में बिट्टा का नाम आता है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF का हिस्सा बनने के बाद बिट्टा कराटे ने कश्मीरी पंडितों का जमकर खून बहाया था। बताया जाता है कि उस वक्त बिट्टा श्रीनगर की सड़कों पर घूमा करता था और कश्मीरी हिंदू नजर आते ही पिस्टल निकालकर मार देता था। 1991 के एक टीवी इंटरव्यू में उसने 20 से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की बात कबूली। उसने यह भी कहा था कि हो सकता है 30-40 से ज्यादा पंडितों को उसने मारा हो। कश्मीरी पंडितों के घाटी छोड़कर भागने के बाद 22 जनवरी 1990 को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने फारूक अहमद को श्रीनगर से अरेस्ट किया था। उस वक्त उस पर 20 मुकदमे चलाए गए। अगले 16 साल बिट्टा ने हिरासत में ही गुजारे, लेकिन 2006 में उसे टाडा कोर्ट से जमानत मिल गई। बिट्टा को रिहा करते समय अदालत ने टिप्पणी की थी कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत देने में नाकामयाब रहा। 2006 के वक्त भी कश्मीर में सेना पर पत्थरबाजों का आतंक होता था। बिट्टा को वहां पर पोस्टर बॉय की तर्ज पर जाना जाने लगा। जेल से छूटने के बाद बिट्टा ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का दामन थाम लिया था। इसके बाद बिट्टा को NIA ने साल 2019 में भी गिरफ्तार किया था। फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा श्रीनगर का रहने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार वह करीब 20 साल की उम्र में आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान चला गया था। कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एरिया कमांडर इशफाक मजीद वानी उसे पाक अधिकृत कश्मीर ले गया, जहां उसकी 32 दिनों की ट्रेनिंग हुई। पुलवामा हमले के बाद बिट्टा को 2019 में NIA ने टेरर फंडिंग के आरोप में अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को प्रतिबंधित कर दिया। फिर कई अलगाववादी नेताओं को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में जेल भेज दिया गया था। अब उम्मीद है कि कश्मीरी पंडित के इस गुनहगार को इसके किए की असली सजा मिलेगी। तो आप क्या सोचते हैं, इस बिट्टा कराटे को क्या सजा मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट कर जरूर बताएं।